नवादा जिले के रजौली प्रखंड के हरदिया पंचायत स्थित फुलवरिया डैम का फाटक शुक्रवार की सुबह असामाजिक तत्वों के द्वारा खोल दिया गया। इससे आसपास के गांव जलमग्न हो गए। भादरा गांव के खेतों में पानी घुसने से धान की फसल को नुकसान हुआ है। गांव जाने वाली सड़क सहित आसपास के गांव की कई सड़कें पानी की तेज धार में बह गई। फिलहाल डैम के निचले हिस्से में बाढ़ जैसे हालात है। वहीं प्रशासन इस घटना को गंभीरता से ले रही है। थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई भी चल रही है। अनुमंडल पदाधिकारी आदित्य कुमार पीयूष ने बताया कि घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है, साथ ही सिंचाई विभाग के टेक्निकल टीम को बुलाया गया है। खोला गया फाटक को बंद कराया जाएगा। तबाही का आलम यह है कि पानी की तेज धार ने गांव के ग्रामीण सड़क तक को बहा कर ले गई। शुक्रवार की सुबह भादरा गांव के ग्रामीण की नींव जैसे ही खुली गाँव को पानी से घिरा हुआ पाया। खेत की तरफ दौड़े तो देखा कि तैयार धान की फसल के ऊपर से पानी बह रहा है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों से सुबह से ही ग्रामीणों ने संपर्क साधने की कोशिश की तो मोबाइल स्विच ऑफ गया। शुक्रवार की दोपहर तक विभाग के द्वारा पानी का बहाव बंद नहीं किया गया था। ये बड़ा सवाल है कि ऐसी हरकत आखिर किसने की, उससे क्या लाभ मिला। डैम का फाटक खोलना कोई आसान काम नहीं, फाटक काफी वजनी है। बहरहाल टेक्निकल टीम का आने का इंतजार है। समय पानी का नुकसान आने वाले रवि की फसल को भी तथा खेती के लिए मछली पालन और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से गांव को पानी आपूर्ति पर दिखेगा। सिंचाई विभाग द्वारा अपने स्तर से पानी नहरों में छोड़ा जाता था, लेकिन असामाजिक तत्वों द्वारा फाटक खोले जाने से काफी पानी यूं ही बर्बाद हो गया, साथ ही खरीफ फसल को भी नुकसान दे गया। रजौली से सनोज कुमार संगम की रिपोर्ट।